कर लेते हैं ब्रोकरेजेस हाउसेस का और कहाँ नजर है बता रही हैं वामाक्षी। गुड मॉर्निंग वामाक्षी, बताएं। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम बीएफएसआई स्पेस के साथ और यहाँ पर खास फोकस होगा एनबीएफसी और लाइफ इंश्योरर्स पर। मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और ये हाईलाइट कर रहे हैं कि नॉन बैंक लेंडर्स पर थोड़ा सा प्रेशर एक्सपेक्ट कर रहे हैं नियर टर्म में, मगर ओवरऑल जो पॉजिटिव सेटअप है इन सारे कंपनीज़ के लिए वो अभी भी नज़र नहीं, उसमें कोई भी चेंज नज़र नहीं आ रहा है। वैल्यूएशन भी काफ़ी सारे लेंडर्स के लिए काफ़ी आकर्षक नज़र आ रहे हैं और इनफैक्ट लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक्स और भी मजबूत और अट्रैक्टिव नज़र आ रहे हैं वैल्यूएशन के लिहाज से। तो ऑल इन ऑल अगर हम देखें उनके टॉप पिक्स है एसबीआई लाइफ, बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी लाइफ, कैनफिन होम्स, एसबीआई कार्ड्स और मणप्पुरम फाइनेंस। और कुछ ऐसे भी स्टॉक्स हैं जहां पर ओवरऑल मार्केट की एक तरफ से कंसेंसस रेटिंग ओवरवेट की है, इन्वेस्टर्स भी कंस्ट्रक्टिव हो रहे हैं, मगर इनकी तरफ से एक कॉन्ट्रा व्यू है और वो है चोला फाइनेंस, महिंद्रा फाइनेंस, एचडीएफसी एएमसी और एलएनटी फाइनेंस पर। इसके अलावा आखिर में हम फोकस करेंगे जेके सीमेंट पर। जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और इनका कहना है कि वॉल्यूम ग्रोथ 15-20% पर एक्सपेक्टेड है FY24 के लिए। पॉजिटिव कमेंट्री भी नज़र आ रही है क्वार्टर टू के प्राइसेस पर और एनर्जी कॉस्ट के जो डिक्लाइन है उसके चलते बेनिफिट्स भी देखने को मिलेगा जेके सीमेंट के लिए। तो इसी के चलते जेफरीज ने अपनी होल्ड की राय को बरकरार रखा है। टारगेट प्राइस भी उन्होंने बढ़ाया है 3,310 रुपीज़ प्रति शेयर पर कर दिया है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया वामाक्षी आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। चलिए अब आगे।